हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान फिजियो। माय नेम इज़ मुस्कान वर्मा एंड आई एम फ्रॉम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल अंदर से देखने में कैसा है, कैसे हमें गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो ये है हमारे हॉस्टल का एंट्री गेट, जो मेन गेट है। चारों हॉस्टल में जाने के लिए हमें इसी गेट से एंटर होकर अंदर जाना है। तो मेन गेट पर पहुंचते ही हमें यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट करनी होती है। तो ये है हमारा गंगा हॉस्टल, जो हमारा फर्स्ट हॉस्टल है। गंगा हॉस्टल यहाँ पे सबसे पुराना हॉस्टल है। चलते हैं हम अपने दूसरे हॉस्टल की तरफ। जो दूसरा हॉस्टल है वो एक्चुअली में हमारा दूसरा हॉस्टल है नहीं, वो हमारा चौथा हॉस्टल है, जिसका नाम है कावेरी। देखते हैं कावेरी देखने में कैसा है। एक्चुअली गंगा और कावेरी दोनों आसपास ही पड़ते हैं, है वैसे ये चौथा हॉस्टल। चलते हैं अपने दूसरे और तीसरे हॉस्टल की तरफ, जो है त्रिवेणी और सरस्वती। ये जो भी एरिया और बिल्डिंग है, ये हमारे फर्स्ट हॉस्टल गंगा हॉस्टल की है। हमें गंगा हॉस्टल से होकर ही सेकेंड और थर्ड हॉस्टल की तरफ जाना होता है। ये जो एरिया हमें दिख रही है, ये हमें सेकेंड हॉस्टल की तरफ ले जाती है, जो है त्रिवेणी छात्रावास। ये देखिए गाइस, यहाँ पर अमरूद का पेड़ है, इसमें से हम लोग अमरूद तोड़कर कभी कभी खाते भी हैं। वैसे हमारा यूनिवर्सिटी भी बहुत हरा भरा है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब हम अपने सेकंड हॉस्टल की तरफ आ गए हैं, जिसका नाम है त्रिवेणी छात्रावास। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड हॉस्टल की तरफ, जो है सरस्वती छात्रावास। सरस्वती छात्रावास तीनों हॉस्टल में से सबसे बड़ा हॉस्टल है और इस हॉस्टल में मैं भी रहती हूँ। तो चलते हैं देखते हैं सरस्वती हॉस्टल हमारा देखने में कैसा दिखता है। सरस्वती छात्रावास हमारा बाहर से देखने में बिल्कुल महल जैसा दिखता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भी सरस्वती छात्रावास में ही रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ कि सरस्वती छात्रावास अंदर से देखने में कैसा दिखता है। यहाँ पर गेट से एंटर होते ही एक छोटा सा हॉल है। ये हमारा मॉडर्न मैम का ऑफिस है। किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाती है तो हमें हॉस्टल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है एंड देन उसके बाद हमें हॉस्टल अलॉट हो जाती है।